शाहरुख खान के लिए बीता अक्टूबर का महीना काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा रहा है। जी हाँ, इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि शाहरुख का पूरा ही परिवार काफी ज्यादा चिंतित और परेशान रहा है। वजह है शाहरुख के लाडले बड़े बेटे आर्यन खान। ड्रग्स मामले में आर्यन खान बुरी तरह से फंसते हुए नजर आए। 2 अक्टूबर शनिवार की देर रात एनसीबी की टीम ने आर्यन खान को ड्रग्स मामले में अपनी हिरासत में लिया था और तकरीबन 26 दिनों तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रहे थे आर्यन खान। हालांकि 28 अक्टूबर के दिन आर्यन को बेल मिल गई और 30 अक्टूबर के दिन आर्यन को जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन अब देखा जाए तो इस मामले में आर्यन खान को राहत मिल चुकी है और अब शाहरुख खान और गौरी खान कई अहम फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। रिसेंटली गौरी खान ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दिल की बात लिखी है और बताया है कि कैसे अब वह एक बार फिर से अपनी उसी जिंदगी में वापस लौट आई हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। दरअसल बेटे को राहत मिलने के बाद, इस मामले में पूरे ही परिवार को राहत मिलने के बाद शाहरुख खान ने अपने काम पर वापसी करने का फैसला लिया है, तो वहीं गौरी खान ने भी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन खान को फाइनली ड्रग्स मामले में सबसे बड़ी राहत मिल चुकी है। बीते बुधवार के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि अब आर्यन को हर हफ्ते मुंबई एनसीबी ऑफिस में हाजिरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये भी कहा है कि दिल्ली में एनसीबी की स्पेशल टीम जब भी आर्यन को बुलाएगी तब उन्हें पेश होना होगा। ऐसे में देखा जाए तो आर्यन की मुश्किलें अब कम हो चुकी है। वेल, बता दें आपको, जेल से रिहा होने के बाद आर्यन खान को हर हफ्ते मुंबई के एनसीबी दफ्तर जाकर हाजिरी देनी होती थी, लेकिन अब आर्यन को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में देखा जाए, जहां एक तरफ शाहरुख खान अपने काम पर वापसी करते हुए नजर आए हैं इस केस में राहत मिलने के बाद, वहीं अब उनकी पत्नी गौरी खान भी अपने काम पर वापस लौट आई हैं। जी हां, गौरी खान ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। अपने बेटे की मुसीबत में फंसने के बाद गौरी खान सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्टिव नजर नहीं आई। 1 अक्टूबर को उनका आखिरी पोस्ट शेयर किया गया था, लेकिन अब गौरी खान अपने काम पर वापसी कर चुकी हैं और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दे दी है। वेल, बता दें आपको, गौरी खान एक बिजनेस वुमेन के तौर पर जानी जाती हैं, एक इंटीरियर डिजाइनर हैं। रिसेंटली उन्होंने अपने नए कोलैबोरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जानकारी दे दी है। गौरी खान ने ये नया कोलैबोरेशन डिजाइनर फाल्गुनी और शैन पिकॉक के साथ किया है। वेल, ये मीटिंग हैदराबाद में हुई है और इस वीडियो में फाल्गुनी और शैन के हैदराबाद वाले स्टोर की झलक भी दिखाई गई है, जिसे गौरी खान ने डिजाइन किया है। और इस पोस्ट को शेयर करते हुए गौरी खान लिखती हैं, एक कोलैबोरेशन जिसमें डिजाइन फैशन से मिलते हैं। गौरी खान के इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस अपने रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। फैंस काफी ज्यादा खुश हैं कि गौरी खान अपने काम पर वापस लौट आई हैं। अपने बेटे के जेल जाने के बाद गौरी ने अपने सभी कामों को होल्ड पर रख दिया था। गौरी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और उस मुश्किल भरे दौर में गौरी खान और शाहरुख खान ठीक से सो तक नहीं पा रहे थे और ना ही ठीक से खाना पीना खा पा रहे थे वेल, फिलहाल देखा जाए तो गौरी और शाहरुख अपने काम पर वापस लौट आए हैं और उस मुश्किल घड़ी में गौरी खान और शाहरुख खान के साथ बीटाउन की कई सेलिब्रिटीज उतर आए थे। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा जाना कि गौरी खान भी अपने काम पर वापसी कर चुकी हैं। बेटे को राहत मिलने के बाद, इस मामले में पूरे ही परिवार को राहत मिलने के बाद अब शाहरुख और गौरी एक बार फिर से अपने काम पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।
Yeah.